अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज चल के काम करते हैं। साइड पे एक कस्टमर का फ़ोन आया है कि भैया इस गांव में आकर के जो है वेल्डिंग काम करना है, इमरजेंसी है। तो मैं बोला ओके आऊँगा, कोई बात नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये मशीन लेकर के, उसके वेल्डिंग रॉड्स लेकर के चलना पड़ेगा। तो चलते हैं, आज देखते हैं साइड पे कैसा काम होता है और कितना किलोमीटर है मेरे को तो नहीं पता, बस नाम बोला है बासर से जाना है, बासर साइड से। तो अभी चलते हैं, सामान का इंतज़ाम करेंगे फिर चलेंगे। चल तो विलेज का नाम काउठा कुछ ऐसा बताया है। तो ये हो गया हमारा सामान रेडी जो साइड पे जाकर काम करना है। तो चलते हैं आज काउठा। काउठा जाने का तो तुम आसम का जाना पड़ता बाहर से। ऐसे जाके कौन सा काउठा बोले? ये वानी कितना मेरा धर्म बराबर। तुम ऐसे जाके सीधे जाओ, कमान आता कमान से लेफ्ट मारने का, फिर चौदह सा आता रेलवे स्टेशन के पास से राइट मार देने का, वहाँ पूछ लो पूछ लेके इधर नहीं है। उन्होंने मंदिर के साइड से बोला मेरे को। हाँ तो पूछ लो, मंदिर के साइड से ये रास्ता जाता नहीं नहीं ठहरो ना बराबर, इधर भी एक गांव है, यहाँ से रास्ता है, पहले पूछ लो गांव वालों को। बासर चौरस्ते पे आके यहाँ पर पूछ रहा हूँ। अब वोनी कहते हैं, वोनी विलेज का नाम वोनी। अब इधर से मेरे को जाना पड़ेगा वोनी, मेरे को पता नहीं है वोनी किधर है। रास्ता तो मिल गया भैया बोली का, चलते हैं सीधा सीधा, देखते हैं अभी आगे कितना दूर जाना पड़ेगा। बासर में हूँ, भैया रोड तो बड़ी खतरनाक है, कट्टे पे से चल रही है गाड़ी। राइट लेफ्ट साइड में जो है बड़ा तालाब है बासर का, ये बोनी 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 शहर की मच्छी उड़ा गया बंदे ने। मामा वो नहीं ना, मामू ये वो नहीं है क्या? ये आ गया भैया वोनी विलेज, वोनी विलेज, वोनी 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 नाम है गांव का। चलो भैया चलते हैं काउठा, गांव का नाम है काउठा। काउठा काउठा किधर है? काउठा काउठा सीधा तो भैया काउठे से अभी हम जा रहे हैं जंगल के अंदर। पता नहीं हमारे संदीप भाई का कोठा किधर है, कोठा कोठा यानी उनका शेड जो है इधर है, आगे आगे जाने को बोल रहे हैं, यानी आने को बोल रहे हैं।
चलते हैं अभी, रात कितना है पता नहीं है, सूरज ग्रुप होने को है, मगरिब का टाइम है अभी। देखो ये रोड पे चल रहा हूँ, पीछे देखो रोड तो यही वो मशीन है, इसी का काम करने के लिए मेरे को आना पड़ा था ताड़बिरली से कौठा। ये देख सकते हैं ये ऊपर के जो पट्टियां हैं ये जो है टूट गया इसमें का बोल्ट, इसी को बस वेल्डिंग मारना है। चलिए चलो भैया, काम करते करते जो है मगरिब हो गई, अंधेरा हो गया। ओ नदी के किनारे ये करा भाई, आसमान में चांद है और रास्ते में कोई नहीं, एकदम अंधेरी जंगल में आकर के काम किया है, एक छोटा सा नुकसान भी हो गया है। रोड देखो यार कितना खतरनाक रोड है, नया नया बंदा आ जाएगा ना पागल हो जाएगा अकेला। वैसे जो सामने गाड़ी चल रहा है वो हमारे अन्ना का ही है, संदीप अन्ना, जो जिसका मैं ट्रैक्टर का काम किया हूँ, वो सामने सामने चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो भैया वापसी हो गई है, आ गए हैं काम पे, सॉरी आ गए हैं दुकान पे काम से। तो थोड़ा सा काम था लेकिन बस ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा था, ये नुकसान हो गया देखो मेरा। ये जो वायर था ना साइडों पे काम करने के लिए, यही एक वायर था लौता, तो ये वायर सारा जल गया, ये देख रहे हो चिपक गया है पूरा, हीट होकर के जो है ना सारा जल गया। चलो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भैया क्योंकि होता है बिजनेस में काम में नुकसान तो लगा हुआ है, कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। वैसे ये जो काम अभी जाके मैं किया हूँ साइड पे, ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा था और काम बहुत कम था। खैर कोई नहीं, हम जाके किया है साइड पे, मैं जाकर के करता हूँ, दूर दूर तक जाता हूँ, फिलहाल अभी रमज़ान की वजह से कहीं नहीं गया। चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। और लोकल वाले अगर देख रहे हैं साइडों पे काम है तो ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू, मां सलामा, अल्लाह हाफिज़।